हेलो एवरीवन, चैलेंजिंग सीरीज के डे 125 में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन हमारा बोटनी स्ट्रीम पे बेस्ड है। चलते हैं इसके क्वेश्चन की ओर। जो लोग मेरे बारे में या चैलेंजिंग सीरीज राउंड के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम लोगों का स्पेशल मैट टेस्ट चल रहा है BSC अकेडमी पटना में। जो लोग पटना से हैं इस टेस्ट का पार्ट बन सकते हैं। देखो आज का सवाल क्या है, क्या बोल रहा है सवाल में, व्हेन टू शिप्स पी एंड क्यू आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, जब दो सी पी और क्यू ट्रैवल कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, क्रॉसेस ईच अदर इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में पार कर जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, अपोजिट डायरेक्शन में 2 सेकेंड में पार कर जाते हैं। स्पीड ऑफ सिप क्यू इज 50% मोर देन स्पीड ऑफ सिप पी। ठीक है, क्यू का जो स्पीड है पी के स्पीड से क्या है, 50% अधिक है। कहाँ? इन स्टिल वाटर। ठीक है, ऑन अ पर्टिकुलर डे सिप पी वॉज अहेड ऑफ सिप क्यू बाई 9 मीटर। मतलब सिप पी जो है सिप क्यू के 9 मीटर पहले था। क्यू यहाँ था, पी यहाँ था, उन दोनों के बीच का दूरी कितना था, 9 मीटर था। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, एंड बोथ ऑफ देम वेयर ट्रेवलिंग इन डाउन स्ट्रीम। दोनों ही क्या है, डाउन स्ट्रीम में जब जा रहे थे। इफ सिप क्यू ओवर टुक सिप पी इन 11 सेकेंड। ठीक है, सिप क्यू जो है सिप पी को ओवरटोक कर लेता है कितना देर में, 11 सेकेंड में। एंड लेंथ ऑफ सिप क्यू, ठीक है, सिप क्यू का लंबाई कितना है, 54 मीटर है। फाइंड द स्पीड ऑफ सिप पी, सिप पी का स्पीड बताना है हमें। ठीक है, यहाँ पे ये क्यू होगा और यहाँ पे क्या होगा, पी होगा। ध्यान देना यहाँ पे क्या बोल रहा है सवाल में। मेन रूप से सवाल में देखो दो तीन चीज़ आपको यहाँ पे दिया है। सबसे पहले जैसे ही हम लोगों को यहाँ पे दे दिया सिप क्यू का लंबाई, हम लोग समझ गए ये ट्रेन वाला कंसेप्ट है, यानी कि सिप के लंबाई को भी यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो सिप के लंबाई को जब कंसिडर किया जाएगा तो पी का लेंथ हम लोग पी ही रहने देते हैं, मान ली हम लोग पी मीटर था। ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ पे पी का स्पीड और क्यू के स्पीड के बारे में यहाँ पर रिलेशन दिए हुए हैं। तो Q का अगर हम लोग स्पीड का बात करें और P का स्पीड का बात करें तो क्या बोला था, स्पीड ऑफ Q इज 50% मोर देन स्पीड ऑफ क्या, सिप पी। सिप पी अगर हमारा 2x होगा तो इसका 50% अधिक करेंगे जब हम लोग, तो इसका 50% अधिक ये हमें क्या देगा, 3x देगा। यानी स्टिल वाटर में Q और P का स्पीड हमारा निकल गया 3x और 2x। ठीक है, अब देखो मेन रूप से सवाल क्या है हमारा, कि जब वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करने का मतलब क्या है, ये पी डिस्टेंस है और क्यू का स्पीड डिस्टेंस हमें मालूम है 54, यही दोनों को क्रॉस करेंगे। अपोजिट में उनकी चाल क्या होगी, चाल क्या होगी हमारी, अपोजिट में ऐड होती है, तो ऐड जब होगी तो बोट का स्ट्रीम का स्पीड क्या है हमारा, एक हमारा अगर डाउन स्ट्रीम चलेगा तो एक क्या चलेगा हमारा, अप स्ट्रीम चलेगा। किसी को भी कंसिडर करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है अगर हम स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो बोल देते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, हालांकि इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है बट समझने के लिए से देख लो। स्पीड ऑफ स्ट्रीम को अगर हम लोग वाई बोल देते हैं, क्यू अगर अप स्ट्रीम जाएगा तो ये क्या जाएगा हमारा, डाउन स्ट्रीम जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस तरीके से लेते चलते हैं 3x, और यहाँ पे इसको हम लोग क्या भेज दिए, डाउन स्ट्रीम भेज दिया, तो इसको हम लोग डाउन स्ट्रीम जब भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस में वाई। ठीक है, फिर अगर इसको अप स्ट्रीम भेज देंगे तो ये इसका स्पीड क्या हो जाएगी, 2x माइनस में वाई। ठीक है, अब हमारा क्या है, जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में चाल हमारा क्या होता है, ऐड हो जाता है। चाल जब हमारा ऐड होगा तो ऐड करके यहाँ पे हमें क्या करना है, स्पीड लिख देना है, तो 3x प्लस में y और प्लस में हमारा क्या होगा, 2x माइनस में y। देखो ये y तो ख़त्म हो गया ना, इस y की कोई ज़रूरत नहीं है, और कितने देर में ये पास कर रहा है, 2 सेकेंड में पास कर रहा है, सारा यूनिट हमारा सेम है। यानी कि हम यहाँ से एक इक्वेशन हमारा आ गया, p प्लस में 54 और 3 to 5 जब ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हमें क्या देगा, 10x देगा। अब अगला देखो क्या कंडीशन है, अगला जो पार कर रहा है, अगला क्या बोल रहा है, इफ क्या बोल रहा है, ऑन अ पर्टिकुलर डे सिप पी वॉज अहेड ऑफ सिप क्यू बाई 9 मीटर। सिप पी जो है आगे था 9 मीटर से, एंड बोथ ऑफ देम वेर ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम, और दोनों ही क्या जा रहे थे, डाउन स्ट्रीम जा रहे थे। जब दोनों ही डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो एक की स्पीड क्या हो जाएगी, 3x प्लस में वाई, दूसरे की स्पीड क्या हो जाएगी, 2x प्लस में वाई। जब दोनों ही सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, घट जाती है, तो यहाँ पे मुझे क्या कर देना है, घटा देना है। तो रिलेटिव स्पीड जब घटाएंगे तो और क्या बोल रहा है उसी समय में, कि सिप क्यू जो है ओवरटूक कर लेता है सिप पी को, कितने देर में ओवरटूक कर लेता है, 11 सेकेंड में ओवरटूक कर लेता है। तो यहाँ से हमारा जो सेकेंड इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से बनेगा हमारा, कि दोनों के बीच का दूरी जो है वो सबसे पहले हमारा क्या है, 9, फिर पार जो करेगा वो डिस्टेंस ट्रैवल करने में पी का डिस्टेंस और क्यू का डिस्टेंस कितना है, 54। ठीक है, बटे में दोनों की रिलेटिव स्पीड, दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी, माइनस में, यानी कि 3x
प्लस में वाई माइनस में क्या हो जाएगा, 2x माइनस में वाई, और कितने देर में पार करता है ये हमारा 11 सेकंड में। तो वाई वाई तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, फिर देखो वाई की कोई यूज़ नहीं रह गई। तो चीज़ों को समझो कि ये जब स्ट्रीम से रिलेटेड हमारा आता है तो नॉर्मली इसमें हमारा वाई का स्पीड ऑफ स्ट्रीम कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ फिर 9 + 54 करेंगे तो ये हमें 63 दे देगा, ठीक है। यहाँ से 63 कर दिया, 3 में 2 चला जाएगा हमारा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे कर देंगे तो ये हमें क्या देगा, 11x देगा। हमें निकालने के लिए क्या बोला है, फाइंड द स्पीड ऑफ सिप पी, सिप पी का स्पीड बताना है। स्पीड यानी कि सिप पी का स्पीड हमारा कितना है, 2x, यानी x के टर्म में इसे सॉल्व करना है। यहाँ से पी का वैल्यू निकाल लो, पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10x माइनस में कितना, 54। यहाँ से भी पी का वैल्यू निकाल लो, पी के वैल्यू हो जाएगी 11x माइनस में कितना, 63। अब यही दो इक्वेशन को यहाँ पे इक्वेट कर दो, 10x माइनस में 54 इज इक्वल टू 11x माइनस में 63, ठीक है। जब यहाँ पे तुम सॉल्व करोगे तो 10x को 11x में घटा दूंगा तो ये देगा x, और यहाँ पे जब घटाएंगे 54 इन माइनस में 63 तो ये हमें देगा कितना, 9, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू 9 निकल गई, मुझे 2x की वैल्यू जाननी, 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18, यानी कि 18 मीटर पर सेकेंड उसकी क्या है, स्पीड है। ध्यान रखना यहाँ पे यूनिट का कोई कन्वर्जन नहीं है, सारी चीज़ें क्या है जो मीटर में है, तो ऑब्वियस है स्पीड हमारा किस चीज़ में देगा, वो मीटर पर सेकेंड में देगा, क्योंकि हर जगह मीटर मीटर और सेकेंड्स की चर्चा की है, सेकेंड एंड सेकेंड, ठीक है। होप आप लोगों को ये क्लियर होगा।